फहद की कुछ दिन से बहुत ज्यादा तबीयत खराब चल रही थी, ये गम में बैठे हुए हैं। अभी इसको मेल्ट करके ये रेडी हो जाएगा। चॉकलेट सीरम डाल देती हूँ। इतना टेस्टी लग रहा है यार, यमी। फहद चीखो, कैसे चीख रहे थे आप? कैसे चीख रहे थे आप? मारते नहीं है, गंदी बात मारते नहीं है। अरे सॉरी बोलो, बस रह गए तुम। हो गई अपनी नाराज, हो गई नाराज। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खान फैमिली एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, मैं अच्छी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक बहुत अच्छे होंगे। मेरे फहद की कुछ दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब चल रही थी, उसको सर्दी हो गई थी और फीवर हो रखा था उसको बहुत ज़्यादा, तो होल नाइट मेरे को सोने नहीं देता ना, वो खुश होता था मतलब उसकी नोज़ बंद हो जाती थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। तो इस वजह से नदीम ने भी छुट्टी ले ली थी 5 दिन से, वो इनफैक्ट घर पे ही थे, आज ऑफिस गए हैं। तो हम लोग का पूरा फोकस फहद की तरफ था, हम लोग पूरा फोकस उसकी तरफ दे रहे थे ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, बट अभी पहले से थोड़ा बेटर है। बाकी नोज़ वोज यार अभी चल रही है उसकी बहुत ज़्यादा, और अभी प्रॉपर सर्दी नहीं हो पा रही, इसकी वजह से वॉमिट वगैरह बहुत हो रही है, फीवर वगैरह भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट कोई नहीं ठीक हो जाएगा। बच्चे हैं, बच्चों को बीमार पड़ते रहे। दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फहद बताओ आपकी तबीयत ठीक है? अरे 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 फहद आपकी तबीयत ठीक है? फहद माशाल्लाह से तबीयत जिसकी ख़राब होती है तो तकलीफ को मनाता नहीं है, खेलता रहता है। 2 दिन इसने रात में ज़्यादा परेशान करता है, दिन में माशाल्लाह से खेलता रहता है। यार दोस्तों, मेरा फहद जब से जितना बड़ा हो रहा है ना, उतना ही ज़्यादा ऐबदार हो रहा है, उतना ही ज़्यादा बदतमीज़ हो रहा है। देख सकते हो, एक चप्पल निकाल के फेंक दी है, बॉटल्स पानी की ये सारी निकाल निकाल के फेंकी हैं, वो बुक फेंकी है, और वाटर कूलर का वो खोल दिया तो सारा पानी नीचे गिर गया, या दिख नहीं रहा है, बट यहाँ सब में पानी फैला पड़ा है, और अंदर किचन में भी जितना भी सब सामान है ये सब फहद फेंक के आए हैं। और अब अपने आप को रूम में लॉक कर लिया बिकॉज मैंने डांट दिया। निकलोगे नहीं क्यों फहद? चेयर वो फेंक के रखी है इन्होंने, ये देखो फहद साहब कुर्सी से जंग लड़ रहे हैं। अब ये भी, इनके डैडी की कॉल आई थी वीडियो कॉल, तो ये गम में बैठे हुए हैं, उनको याद करके रो रहे हैं। क्यों फहद? फाइनली मैं फहद को अब सुला चुकी हूँ, और काफ़ी लेट हो गया यार, 7:30 बज चुकी है, और मेरा खाना अभी तक खराब हो गया, मैं तो काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया यार, इस वजह से मुझे बहुत परेशान करने लगा है। और मैं तो ख्याल तो काफ़ी रख रही हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसी के साथ बिताती हूँ ताकि थोड़ा इसका सा मूड अच्छा हो, और अब मैं फाइनली अपना खाना बना लूँ। ये मैंने आलू काट के रख लिए हैं, और इसको मुझे आलू की जो कतली होती है वो बनाना है। मेरे फहद के लिए जो दूध था वो फट चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका कुछ मीठा सा डिश बना दूँ, ज़्यादा नहीं है बस थोड़ा सा ही है, बट इसको फेंक नहीं सकती, मैंने सोचा इसका यूज़ ही कर लूँ, फेंकना ठीक नहीं रहता है ना दूध जैसी चीज़ को। अभी मैंने इसका पानी निकाल के मैंने इसको मतलब सुखा लिया है, अभी मैं इसमें चीनी डालूँगी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, और बाकी इसकी शक्ल दिखाऊँगी कि इसकी शक्ल कैसी बनी। मैंने इसमें कसा हुआ थोड़ा सा नारियल डाल दी, थोड़ी सी डिशेज ली, थोड़ा ही थोड़ा सब कुछ डलेगा। ये मैंने इसमें डाल लिए थोड़े से काजू और बादाम, अब इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी ऐड करी है, और चीनी अब मेल्ट हो जाए। ऐड कर रही हूँ थोड़ा चॉकलेट पाउडर, थोड़ा सा मीठा कम है, मीठा डालती हूँ। चॉकलेट पाउडर डालने से थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा फ्लेवर हो गया था ना, तो मैंने चीनी काफ़ी कम डाली थी। ये रेडी हो चुका है, और देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं इस पर चॉकलेट सीरम डाल देती हूँ। अब मैं इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। कितना टेस्टी लग रहा है यार, यमी। लग ही नहीं रहा है कि ये फटे हुए दूध का बना है, खाने में भी बहुत यमी है। ये होता है लापरवाही का नतीजा। मैंने का टाइम को बचाने के लिए अपने कपड़ों को वॉश किया, और एक ही साथ सारे को वॉश कर दिया, और जिसमें से एक कपड़े को दीमक ने काट लिया था, उस दीमक ने सारे कपड़ों को मेरे ख़राब कर दिया। अब मुझे फिर से वही मेहनत करना पड़ रही है, ये मेरे वॉश हो रहे हैं, और इतने ये पड़े हैं गंदे कपड़े, आई मीन गंदे नहीं, दीमक वाले कपड़ों में लिपटे हुए, तो मेरे को फिर से सारी मेहनत करना पड़ रही है यार। तभी तो कहते हैं इंसान को मेहनत से हारना नहीं, पीछे नहीं हटना चाहिए, और इतनी मेहनत तो कर लो, अब करना पड़ रही है दोबारा मेहनत।
दोस्तों अब इस वीडियो को फिनिश करते हैं यहीं पर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़्यादा रो रहा है, परेशान रहा है, इसलिए मैं वीडियो को ख़त्म कर दी।